धन्यवाद। तो इस तो पहला कि मैं स्टेज पर बैठे किसान लीडर बुलाव, दो साथी साढ़े बाहरलिया स्टेटा तो आए, बड़े देर दे बैठे आ, उन्होंने समा दो तीन मिनट पाँच मिनट लगना आ। तो मैं बेनती करता, विशिष्ट कन्वीनर भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा रांची तो आए आ, तो उन्होंने समा तीन मिनट है। उन्होंने तो बाद तेज राम विद्रोही राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय क्रांति किसान सभा छत्तीसगढ़ तो आए आ, तैयार रहन। तो उन्होंने तो बाद बूटा सिंह जी शादू शादीपुर विखे जू मंच प्रधान पंजाब वो तैयार रहन। मंचासीन संयुक्त मोर्चा के तमाम पदाधिकारीगण और सामने बैठे हुए बुजुर्ग माता और पिता, भाई और बहनों, आज ये जो सभा चल रही है लगभग तीन महीने हो गए, और तीन महीनों में एक ऐसी अंधी गुंगी सरकार जो हमारे देश की है, जो हमें गुमराह करती और यह कभी नहीं सोचती कि यह सभा हमको वोट देने वाली जनता है। इसको लेकर शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था, जो सरकार अपने ही जनता पर गोलियां चलवाए, जो सरकार अपने ही लोगों का शोषण करे, वो सरकार शासन करने का अधिकार खो देती है। साथियों, वाकई हमारे साथी ने जो अभी बोले थे अतुल अंजान जी, ये सरकार अब हमारे सरकार नहीं है, एक कॉरपोरेट भ्रष्ट सरकार है, ये फांसीवादी सरकार है, ये कॉरपोरेट घरानों के चाटुकार और दलाल सरकार है, ये शासन करने का अधिकार इसको नहीं है। और जो आपने दिखाया है एकता, ये एकता जो पंजाब के किसान भाइयों ने, हरियाणा के किसान भाइयों ने, उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों ने जो एकता दिखाया है, ये बहुत बड़ी ये लड़ाई है साथियों, और एक बहुत बड़ा पाठशाला बन चुका है। आज पूरे देश के किसान इस आंदोलन से प्रभावित होकर अपने अपने राज्य में, अपने अपने तहसील में, अपने अपने जिलों में, प्रखंडों में इस आंदोलन को लेकर काफी उत्साहित हैं, और इस सरकार को ध्वस्त करने के लिए और किसानों की लड़ाई को, मजदूरों की लड़ाई को लड़ने के लिए हर जगह सभाएं चल रही है। मैं झारखंड से आया हूँ साथियों, अखिल भारत क्रांतिकारी किसान सभा का संयोजक हूँ। हम लोगों ने जब से आपका आह्वान हुआ है, हर आह्वान पर हम लोगों ने झारखंड के अंदर में राजभवन मार्च किया, हम लोगों ने जिलों में मार्च किया, 26 जनवरी को हम लोगों ने ट्रैक्टर परेड किया, और लगातार हम लोग वहाँ पर इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, और एक कार्यक्रम हर गाँव में जा रहा है साथियों। और जो हमारी एकता है, इस एकता को बृहद पैमाने पर हर राज्यों में ले जाने की भी जरूरत है। जो शीर्ष नेतागण हैं, जो संयोजक मंडल है, उनको अन्य राज्यों के क्रांतिकारी किसान सभाओं और ट्रेड यूनियनों से संपर्क करने की जरूरत है। ये स्थिति बनी है साथियों कि ये फांसीवादी सरकार अब नहीं चलेगी, किसानों को ये समझने बात आ गई है। हमारे झारखंड में जब भाजपा की सरकार थी तो 21,37,000 एकड़ जमीन को इसने एक भूमि बैंक बनाकर डाल दिया था साथियों। ये भूमि बैंक में कॉरपोरेट घरानों को बुलाकर एक ग्लोबल समिट करके वो जमीन को हैंडओवर करने का प्रयास किया, जिसमें मैक्सिमम आदिवासी दलित समाज के हमारे लोग रहते हैं, जंगलों में लोग रहते हैं, जहां खनिज खान है, कोयला है, लोहा है, सोना है, अवरक है, उसको लूटने के लिए 21,37,000 एकड़ जमीन ये लैंड बैंक में रखा हुआ है साथियों। हम कहना चाह रहे हैं कि यह जो कॉरपोरेट फार्मिंग है, यह एक दिखावा है, इसके अंदर में किसानों के जमीन को छीनने का, किसानों को बेरोजगार करने का, किसानों को भूमिहीन करने का, और हमारे देश के जो हमारे युवा है उनको बेरोजगार कर, उनको कम मजदूरी पर उनको खटाने का, उनको बेचने का ये साजिश है। एक कॉरपोरेट प्रशासन सरकार हमारी सरकार नहीं है साथियों। समय कम मिला है और वक्तागण है, इसीलिए मैं अपने बातों को विराम देता हूं और तमाम साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। और आज
जो इस सभा में आप आए हैं, मैं चाहूंगा कि और लोगों को आने की जरूरत है और इस सरकार को ये बताना है कि हम शहीद भगत सिंह आजम के हम लोग वंशज हैं, हम नीलांबर पीतांबर बिरसा मुंडा सिद्धू कानू के वंशज हैं, जो गोरे अंग्रेजों को सात समुद्र पार फेंक सकते हैं, तो तुम तो काले अंग्रेज हमारे बीच में रहते हो, तुम्हें हम शिकस्त करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद जी। तेना तो बाद चोना तेज राम बद्रोही राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय क्रांति किसान सभा छत्तीसगढ़ तो उन्हों का समा 3 मिनट है, तो उन्होंने बाद संत जीत सिंह जी निर्मल कुटिया जलंधर वाले थोड़े ना विचार सांझे करनगे। तो हुण तेज राम बद्रोही। मंच पर उपस्थित तमाम योद्धा साथियों को और मंच के सामने उपस्थित सभी लड़ाकू साथियों को अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं और इससे पहले जो 10 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक इधर था और इसके बाद जब पूरे देश में ये जो आंदोलन को जो किसानों के जो आंदोलन है, जो कॉरपोरेट परस्त किसान कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी काले कानून को लेकर जो लगातार आंदोलन जारी है, 26 तारीख की घटना को लेकर जिस तरह से मोदी सरकार और उनके इशारों पर काम करने वाली जो मीडिया ने इसे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद जो 6 फरवरी का जो चक्का जाम हुआ और उस चक्का जाम ने पूरे देश में इन किसानों के बीच इस सरकार को बताने का प्रयास किया आंदोलन केवल कुछ ही राज्यों का आंदोलन नहीं है, क्योंकि जब 6 फरवरी को चक्का जाम होनी थी उससे पहले 4 फरवरी को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान आया, उसमें उन्होंने कहा था कि एक ही राज्य के किसान अब तक आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ के साथियों ने भी कहा, जो 6 फरवरी को चक्का जाम के बाद उन्होंने 8 तारीख के मुझे यहाँ भेजा और उन्होंने कहा कि यह केवल एक राज्य का जो आंदोलन, जो ये केंद्र की जो मंत्री है वो जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको जाकर आपको यहाँ चुनौती देना है कि यह केवल हरियाणा और पंजाब के किसान नहीं बल्कि यहाँ छत्तीसगढ़ के भी किसान आ गए हैं, मध्य प्रदेश के किसान आ गए हैं, झारखंड के किसान आ गए हैं, उड़ीसा से किसान आ गए हैं, उनके लिए हमने केएफसी से आगे साथियों हम लोगों ने भी अपना एक टेंट लगा रखा है और इस टेंट के माध्यम से इस नरेंद्र मोदी को और केंद्रीय मंत्री को हम ये चुनौती देना चाहते हैं और दे रहे हैं कि आप अब ये भूल में मत रहिए, जिस तरह से आप 26 तारीख के बाद किसान आंदोलन छोड़ के वापस जाने की बात आप कर रहे थे, यह मिथ्या या झूठ फैलाने की जब आप ये बात यह कर रहे थे, वो किसान यहाँ अपना टेंट गाड़कर यहाँ से कानून वापसी को लेकर जाने की तैयारी में है, इस बात की गवाही देने हम आए हैं साथियों। और इस बात की गवाही देने आए हैं, जैसे पिछले दिनों तेलंगाना के साथी यहाँ आए हुए थे और ये पूरा जो भारत का जो मजदूर और किसानों का समागम स्थल है आंदोलन, चाहे वो टिकरी हो, चाहे वो सिंघू हो, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो शाहजहांपुर हो, हर एक सीमाओं पर भारत के मजदूर और किसान अपने अधिकारों को लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं, आएंगे। और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, ये कॉरपोरेट परस्त कानून वापस नहीं होगा, किसान विरोधी, जन विरोधी, आम उपभोक्ता विरोधी काले कानून वापस नहीं होगा, तब तक हम जाने वाले नहीं है साथियों। और इस लड़ाई में हम हैं, साथ हैं, रहेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।